चैनल और आज हम बात करने वाले हैं मीडियम एंड लॉन्ग हेयर के लिए हेयर स्टाइल जो इंडियन हेयर स्टाइल होने वाले हैं। साथ ही साथ ये आलिया भट्ट के हेयर स्टाइल्स भी हैं, ज़्यादातर वो इन्हें ही कैरी करती हैं। वही मैं हेयर ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, तो चलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप उनको फॉलो कर लें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल है हाफ बन, तो मैं इसके लिए अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लूँगी वाइट कॉम की मदद से, फिर इसके हाफ पार्टीशन करूँगी बालों का और फिर मैं एक इलास्टिक बैंड की मदद से इसको आगे की तरफ करके पोनी बांधूँगी जिससे हमारा लुक थोड़ा सा मैसी सा रहे। फिर हम अपने बालों को हल्के से आगे से हल्का हल्का खींचेंगे जिससे हमारा लुक मैसी सा लगे। फिर हम अपने बालों को रोल करते जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। हम अपने बालों को तब तक ट्विस्ट करेंगे, इसको ट्विस्ट करते हुए जूड़ा बना लेंगे। और हम इसको यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। फिर इसको हम खींचेंगे जिससे ये हमारा मैसी सा लगे। मैं एक या दो यू पिन से इसको और सिक्योर कर लूँगी। तो मेरा हाफ बन तैयार है। मैं इसके आगे से बाल इसलिए खींचूंगी जिससे मेरा मैसी सा लुक लगे। हमारे सेकंड हेयर स्टाइल के लिए हम अपने बालों का साइड से पार्टीशन करेंगे। हम अपने बालों के साइड पार्टीशन में से आगे का हल्का सा पार्टीशन ले लेंगे और उसके टू पार्ट्स कर लेंगे और फिर एक दूसरे में ट्विस्ट करते जाएंगे। रोल ट्विस्ट ऐसे हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारी पूरी चोटी कंप्लीट नहीं हो जाती। ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है जो इंडियन कल्चर के लोग, टीनेजर्स, स्कूल कॉलेज के लिए हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और फिर हम इसको अपने बालों के हिडन तरीका से क्लिप से सिक्योर कर लेंगे और हम अपने बालों से क्लिप को हाइड कर देंगे। हेयर स्टाइल के लिए हम कोई भी हेयर बैंड लेके अपने बालों में लगा लेंगे। हम अननोन हेयर बैंड ले लेंगे, ना किसी कलर का। फिर हम अपने कानों के पीछे से थोड़ा सा सेक्शन लेके उसको कॉम कर लेंगे और ले लेंगे उसको और फिर हम उस सेक्शन में से टू सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और हम रोल करते जाएंगे एक एक करके सेक्शंस को और ट्विस्ट करते जाएंगे जैसे कि हमने पहले उसमें किया था, हेयर स्टाइल में किया था। फिर हम इसको एक दूसरे में ट्विस्ट करते जाएंगे, रोल ट्विस्ट हम जब तक ही करेंगे जब तक कि ये पूरा हमारे लास्ट तक बन नहीं जाता। अब हमारी पूरी चोटी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं इस इलास्टिक बैंड से अपनी चोटी को सिक्योर कर लूँगी और फिर मैं इस चोटी को एज अ हेयर बैंड अपने बालों में लगा लूँगी और कान के पीछे जाके क्लिप से सिक्योर कर लूँगी।
और फिर मैं धीरे से हेयर बैंड को रिमूव कर दूँगी और मैं अपने बालों से क्लिप को हाइड कर दूँगी। तो मेरा थर्ड हेयर स्टाइल भी तैयार है। ये बहुत ही अच्छा और इजीली होने वाला हेयर स्टाइल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसको कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास वाला बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।